हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस एंड डाइट टिप्स में। आज की वीडियो का टॉपिक है कैल्शियम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे अपने कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं और जानेंगे कौन सी पांच ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं अगर हमारे में कैल्शियम की कमी है तो हमारे को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है तो हमारी हड्डियों में दर्द हो सकता है और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, जिससे हमारी हड्डियाँ टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हमारी में कैल्शियम की कमी हो गई है तो हमारे शरीर में भी दर्द होने लगता है, जैसे कि हमारे घुटने में दर्द होने लगता है, कोहनी में, या फिर हमारी कमर में दर्द होने लगता है। ये बहुत सी जगह हमारे को दर्द हो सकता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन पे, उसके कहाँ पे दर्द हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर बंदे के एक ही जगह दर्द हो, कहीं भी हो सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी बात नहीं कि एक ही जगह हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगर हमारे में कैल्शियम की कमी है तो हम उसको कैसे पहचानें। तो अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो आपकी हाथों की उंगलियाँ हैं उसमें एक सफ़ेद सी लाइन होगी, तो ये सबसे आसान तरीका है कैल्शियम की कमी को पहचानने का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कैसे अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप में कैल्शियम की कमी है तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो आप भोजन करते हैं उसमें कैल्शियम जिस चीज़ में ज़्यादा है, बस आपको वो चीज़ अपने भोजन में ऐड करनी है और आप में कैल्शियम की कमी धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी। बस इतना सा काम करना है आपको अपनी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो प्रोडक्ट, जो चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, वो वाली चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपकी 100% कैल्शियम की कमी जो है वो दूर हो जाएगी, 100%, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे वीडियो के पहले इंग्रेडिएंट की, जिसे खा के हमारी कैल्शियम की कमी दूर होने लगेगी। तो दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट है दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध तो हम सबको पता ही होता है कि कितना ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए। ना सिर्फ दूध में कैल्शियम होता है, दूध में बाकी के सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और इसके साथ साथ दूध में मैक्रोज होते हैं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। और दूध में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी भी होता है। जी हाँ दोस्तों, इतना सारा कुछ होता है एक गिलास दूध के अंदर। दूध हमको ज़रूर पीना चाहिए, और अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो दूध तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे वीडियो के दूसरे इंग्रेडिएंट की, जो है दही। दही भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि दही भी दूध से ही बनती है, तो दही में भी वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि दूध में होती है। इसीलिए हम दही की, वो दूध की जगह दही भी खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को दूध ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो उन बच्चों को हम दही दे सकते हैं जिनसे उनको दूध के सारे के सारे पोषण मिले और उनको कैल्शियम की कमी ना हो। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अब तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है पनीर। या दोस्तों, पनीर में दूध और दही से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि पनीर बनाने के लिए हम दूध का सिर्फ मलाई वाला पार्ट ही लेते हैं, क्योंकि पनीर उससे ही बनता है। तो पनीर में दूध और दही से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और हमारी कैल्शियम की कमी को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। पनीर में सिर्फ 100 ग्राम पनीर में हमारी डेली रिक्वायरमेंट के आधा, यानी 50% कैल्शियम पाया जाता है। सिर्फ 100 ग्राम पनीर से हम 420 mg अपना कैल्शियम ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे ये था। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ नंबर की तरफ। फोर्थ नंबर पे जो इंग्रेडिएंट है वो है तोफू। या दोस्तों, तोफू, अगर जिन लोगों को नहीं पता कि तोफू होता क्या है, मैं उन लोगों को बता देता हूँ। तोफू होता है, जैसे हमारा पनीर बनता है दूध से, तो तोफू बनता है सोयाबीन के दूध से, तो उसको तोफू बोला जाता है। और तोफू हमारे कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है, क्योंकि 100 ग्राम तोफू में 350 mg हमको कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और तोफू ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, तोफू पनीर से सस्ता मिलता है, इसी वजह से हमने इसको अपनी वीडियो में ऐड करा है। और तोफू से भी हम कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने पाँचवें इन्ग्रीडियंट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट है, जो है तिल। तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तिल में सचमुच बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तिल से ज़्यादा कैल्शियम मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ में होगा, लेकिन तिल गर्म होते हैं, इसके कारण हम तिल को ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से तिल को आप अपने हिसाब से खाएँ। तिल को हम बहुत से तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि हम तिल के लड्डू भी बना के खाते हैं, बहुत से बंदे तिल का तेल भी यूज़ करते हैं। तो तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, अगर हम इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो 100% आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और आप में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।